गाइस, मेरा नाम है सहज। आप देख रहे हैं टेक्निकल सहज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ Asus TUF गेमिंग लैपटॉप की एक अनबॉक्सिंग, तो एक फर्स्ट लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की और इसकी प्राइस की। तो मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं FX504Z। तो प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया है, मुझे पड़ गया ये 67,000 का। तो वैसे इसकी नॉर्मल प्राइस है 70,000, लेकिन कल डिस्काउंट में चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो मुझे 67,000 का ये मिल गया। और साथ में 1,000 पे और एडिशनल डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने पे 10% डिस्काउंट था। तो चलिए अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो एक बार मैं पहले ही ओपन कर चुका हूँ। तो ये रहा लैपटॉप, लैपटॉप को रखते हैं पहले साइड पे। फिर आपको मिलता है कि यूज़र मैनुअल गाइड, इसको भी रखते हैं साइड पे। फिर बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है अडॉप्टर, जो कि बहुत ही बड़ा अडॉप्टर है। दूसरी साइड देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो दूसरे हमें मिल जाती है चार्जर की कोड। तो बॉक्स को रखते हैं फिर साइड पे, आते हैं मेन लैपटॉप की तरफ। तो लैपटॉप की कुछ ऐसी पैकिंग में मिलता है ये। तो फिर ये रहा इसका फर्स्ट लुक, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है Asus की, और इसके अंदर भी हमें रेड कलर की लाइट दी गई है। तो लैपटॉप भी करते हैं हम ओपन, इसे भी हटाते हैं साइड पे। तो देख सकते हैं रेड कलर के सारे कीबोर्ड इसके दिए गए हैं, और टच पैड भी बहुत अच्छा दिया गया है लुक के हिसाब से। तो आप पर देख सकते हैं ग्रे कलर का ये लैपटॉप है, पीछे से ब्लैक कलर की इसकी प्लास्टिक की बॉडी है। फ्रंट बॉडी तो स्टील की दी गई है। तो हम इसे करते हैं स्टार्ट। तो हम थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाता है 128GB की SSD, 1TB की हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी नॉर्मल नहीं मिलती, इसके अंदर फास्ट वाली हार्ड डिस्क मिल जाती है। और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 60 रिफ्रेश हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, फुल HD वाली, और इसकी IPS डिस्प्ले है ये। तो ग्राफिक कार्ड की बात करें तो उसमें GTX 1050 Ti मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है। वेबकैम की बात करें तो आपको HD वेबकैम मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं अभी। तो क्वालिटी वही Asus Aspire 5 वाली क्वालिटी है। और तो अब आते हैं इसकी बात फ़ैन की। तो फैंस में इसमें अंदर हमें ड्यूल फैन दिए गए हैं। तो इसमें हमें फ़ैन का मोड भी दी गई है, इससे हम फैन की स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक बटन दिया गया है F5 में बटन फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने का। तो FN दबा के हम उसे दबाएंगे तो देखना स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है ओवर बूस्ट मोड, साइलेंट मोड, तो बैलेंस मोड। तो ओवर बूस्ट में अगर हम गेम खेलेंगे तो हम उसे ऑन कर सकते हैं, जिससे लैपटॉप हीट कम होगा, और उसके ड्यूल फैन के कारण लैपटॉप भी कम हीट होता है, तो ये अच्छी बात है इसकी। और बात करते हैं इसकी जैक की। तो उसे इसमें आपको सभी तरह के जैक मिल जाते हैं। तो पहले आप देख लें, इसके अंदर मिल जाता है ईथरनेट पोर्ट, HDMI केबल, 2.0 का एक USB पोर्ट, और 3.0 के 2 पोर्ट मिल जाते हैं। और इसमें 3.5mm जैक भी मिल जाता है, जो कि माइक वगैरह सब सपोर्ट करता है। ऑल इन वन माइक पोर्ट होता है ये। तो यहाँ पे चार्जिंग लगाने की जगह, तो यहाँ पे ये वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ से एयर बाहर निकलती है। तो यहाँ से कोई एयर बाहर नहीं निकलती, यहाँ से इन्होंने पूरे फिल्टर लगा के दिए गए हैं, ताकि इसके अंदर डस्ट ना जाए। तो ये इसका एक अच्छा फीचर है, इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये बंद किए गए हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हीट जो यहाँ से पंखा होता है वो कई बार डस्ट यहाँ से खींच लेता है। तो उसके लिए यहाँ से इन्होंने फिल्टर लगा के दिए हैं, तो यहाँ से हवा निकल जाती है, तो ये अच्छी बात है। इस साइड खाली एक लॉक दिया हुआ है बस, किंगस्टन वाला। और स्पीकर की बात करें तो दोनों की अच्छी तरह अच्छी जगह पे स्पीकर है, कि यहाँ पे स्पीकर है, कि यहाँ पे स्पीकर है, ताकि आप साइडों से आवाज़ अच्छी आएगी, तो इसका ये अच्छा। तो एक बार स्पीकर भी टेस्ट कर लेते हैं हम। तो साउंड की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कितनी लाउड है। तो साउंड की क्वालिटी भी Asus Aspire 5 से लाउड है। और इसमें आपको ऑन साइड वारंटी मिल जाती है 1 ईयर की, और ऑफलाइन भी मिल जाती है, आप जाके
किसी भी इसके सर्विस सेंटर पे जाके इसकी वारंटी आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्टैंड तो आप करा ही सकते हैं वारंटी। इसमें टोटल आपको 3 एयर वेंट दिए गए हैं, एक तो फ्रंट साइड पे दिया हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, जिससे ये फ़ायदा होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया गया है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जब लैपटॉप खेलते हो, लैपटॉप जो गर्म होगा तो आपके कई बार देखा होगा कई लैपटॉप में आपके कीबोर्ड भी आपको फील गर्म गर्म करने लग जाते हैं, तो इसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो हीट होगी यहाँ से निकल जाएगी, ताकि आपके कीबोर्ड ज़्यादा गर्म नहीं होगा गेमिंग के समय। तो बाकी आपको 2 फैंस तो मैं पीछे बता ही चुका हूँ, एक यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे। तो एक बार आपको लाइट इसकी ट्रैक टेस्ट कराते हैं, बैक लाइट वाली और इसकी बैक साइड वाली। तो मैं थोड़ा लाइट बंद करके आपको दिखा देता हूँ कैसे लाइट से जलती है। तो देख सकते हैं इसके कितनी अच्छी लाइट चमक रही है, अंधेरे में पता लगती है क्लियर। तो अब जाते हैं इसकी ब्लैक लाइट देखने। तो देख सकते हैं ब्लैक लाइट कितनी अच्छी है, और इसमें आप ब्लैक लाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं तो उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैं करके दिखाता हूँ, आपको दबाना है बस FN और यहाँ पे नीचे एरो वाले डाउन बटन आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं बंद हो जाती है। तो एक लेवल अप करते हैं, तो एक लेवल अप हो गया, तो एक लेवल और अप करते हैं, तो टोटल 3 लेवल दिए गए हैं। तो देख सकते हैं फुल है, तो ये अच्छी बात है। इसमें हम फैन भी कंट्रोल कर सकते हैं और ब्राइटनेस तो कर ही सकते हैं और वॉल्यूम भी कर सकते हैं, साथ साथ में ब्लैक लाइट भी क्लियर कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपके लिए बहुत सारी इसकी वीडियोस लाऊंगा, गेमिंग रिव्यू भी लाऊंगा, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब अभी। तो साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियोस का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to my channel and also press this bell icon.